बियरपुरी जाए नागपुर में। तो गाइस आज हम लोग इतवारी मार्केट में, तो भाई के पास अप्पे काफी फेमस है यहाँ पे, तो चलिए भाई से बात करते हैं और अप्पे की मेकिंग भी लेते हैं। तो ये बेटर आप खुद ही बनाते हो भाई? हाँ हाँ बिल्कुल। तो क्या क्या रहता है इसमें? इसमें तो इसमें रवा, दाल और मिर्ची का पेस्ट। ओके, तो ये चीज ग्रिल हो रहा है गाइस। रिफाइंड ऑयल? हाँ ये रिफाइंड है। सॉफ्ट रहना भैया। तो कितना टाइम लगेगा अभी इसको प्रिपेयर होने में? तो 5 मिनट लगते भी है बस पकने के लिए। ओके, इसको होना घनु को होना क्या होना? वो पानी का बोतल दूसरे तक कितना हुआ? वो ये रेडी हो गए? हाँ भैया। बनने का है रुच्चे बनने का। काफी बढ़िया अप्पे बने अपने, चीज अप्पे। और कड़ा कौन है? तो एक प्लेट में इतने सारे पीसेस आते हैं? हाँ गाइस देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा पीसेस आ रहे हैं। ये चटनी कौन सी है? नारियल और कोबी। नारियल और पीनट्स। और ये ग्रीन चटनी है गाइस। तो गाइस हमारी चीज़ अप्पे हो गए रेडी, आप देख सकते हो काफ़ी बढ़िया है। भाई इसका प्राइस क्या पड़ता है? इसका प्राइस भी है 70 रुपीज़ चीज़ अप्पे का। 70 रुपीज़? हाँ सिर्फ 70 रुपीज़ में आपको इतने सारे अप्पे मिल जाएंगे भाई के पास खाने के लिए। वो भी चीज़ अप्पे है गाइस, और इतने सारे पीसेस शायद ही कई अप्पे में आपको मिलेंगे। तो आप लोग ज़रूर इनके कार्ट पर विजिट कीजिए अगर नागपुर आ रहे हो। तो मैं भी जा रहा हूँ ट्राई करने के लिए। थैंक यू। इसका टाइमिंग और एड्रेस बता दीजिए। एक्चुअली डेली तो ये 9 बजे लगती है शॉप, और संडे को 7 बजे आ जाती है शॉप, लग जाती है। अच्छा, संडे को 7 बजे से लेके कितने बजे तक? 7 बजे से 12 बजे तक। 7 बजे से 12 बजे तक। और मंडे टू सैटरडे? मंडे टू सैटरडे 9 बजे से 12 बजे तक। 9 बजे से 12 बजे तक। और ये लोकेशन बता दीजिए। लोकेशन है शहीद चौक, शहीद करण कोठारी के पास। करण कोठारी के पास करंट होता है। सराफा बाजार।